वो लोग उसे कहते थे कायरो। हमारी माइनक्राफ्ट की दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ बहुत से लोग, प्यारे प्यारे जानवर और कुछ ऐसे मॉब्स रहते हैं जिनके बारे में कि हम कभी सोच भी नहीं सकते, और उन्हीं में से एक था कायरो, परछाइयों में छुपा एक ऐसा डार्क हीरो जिसे आज तक शायद ही कोई मार पाए। पर क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार कायरो बना कैसे और आखिरकार वो डार्क हीरोज में कैसे आया? इसमें बहुत सी मिस्ट्री छिपी है। पर कभी कायरो भी एक इंसान हुआ करता था, पर उसके पास ऐसी बहुत सी अलग अलग और अनोखी पावर्स थी जिनके बारे में कि शायद ही कोई सोच सकता था। पर तब कायरो अपनी पावर्स का यूज भलाई के लिए करता, पर उसे और ज्यादा शक्तिशाली बनना था और इसके लिए उसने बहुत से बुरे कदम उठाए। उस वर्ल्ड में कुछ ऐसी पावरफुल चीजें रखी थी जिन्हें की अगर कोई भी एक बार छू ले तो वो हमेशा के लिए इनविंसिबल बन जाता है। और उस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग थे जो कि बिल्कुल कायरो की तरह दिखते थे, पर उससे ज्यादा शक्तिशाली शायद ही कोई था। कुछ पावरफुल लोगों ने ऐसा फैसला किया कि वो लोग अपनी पावर्स की हेल्प से कायरो से उन सभी सभी पावर्स को छिपा लेंगे ताकि कायरो कभी भी उन तक पहुंच ना पाए, क्योंकि अगर कायरो उन तक एक बार पहुंच गया फिर इस वर्ल्ड को कोई भी बचा नहीं सकता था। और जब कायरो को ये बात पता चली तो उसने एक बहुत बड़ी वॉर शुरू कर दी। उसने अपने साथियों की मदद ली नेदर से और एक ऐसा पोर्टल बना दिया जिसकी मदद से कि नेदर के लोग ओवर वर्ल्ड में आ पाए, और उसके बाद उन लोगों ने मिलकर पूरे के पूरे ओवर वर्ल्ड को तबाह कर लिया। पर इस वक्त ऐसा हो ना पाया और कायरो का ये मिशन भी इनकम्प्लीट रह गया। पर अभी भी वो हारा नहीं था, उसे अभी भी अपना मिशन, अपना रिवेंज कंप्लीट करना था। लगता है मुझे थोड़ा देर रेस्ट लेना चाहिए। और इसी तरह कायरो नेदर में हमेशा हमेशा के लिए कहीं गायब हो गया। पर कुछ दिन बाद, अबे भाई साहब, मैं तो यहाँ पे ऑब्सीडियन कलेक्ट करने आया था, पर ये किसकी आवाज है? ये कौन है और इसकी तो सांसें भी चल रही है। एक काम करता हूँ, मैं ना इसको अपनी लैब ले जाता हूँ और इस पर मैं अपना न्यू एक्सपेरिमेंट करूंगा। और उसके बाद उस साइंटिस्ट ने कायरो को अपनी लैब ले गया और उसी वक्त से वो कायरो पर अपने एक्सपेरिमेंट करने लगा। पर वहीं दूसरी तरफ जेनेसिस, जाओ और किसी ऐसे को ढूंढ कर लाओ जो कि मेरा अगला डार्क हीरो बनने के काबिल हो। और उसके बाद वो साइंटिस्ट कायरो को भी ठीक कर देता है। अरे कायरो, तुम जिंदा हो? और जैसे ही कायरो अपनी सालों की नींद से उठता है, वो सबसे पहले ही साइंटिस्ट को मार देता है। और ये जोकर कौन था? पर कायरो अभी भी अपनी शक्तियों से बिल्कुल अनजान था, क्योंकि अब उसके पास कुछ ऐसी ऐसी पावर्स आ चुकी थी जिसकी वजह से कि वो किसी भी मॉब को या फिर किसी भी प्लांट को एक बहुत बड़ा हैवान बना सकता था। उसे बस उसे छूना होगा। और अब अपनी पावर से अनजान कायरो फिर से आ चुका था अपना बदला पूरा करने और उन शक्तियों को वापस लेने के लिए जो कि उसे छीनी गई थी। और उस अंधेरी रात में अकेला कायरो निकल चुका था उन पूरी की पूरी शक्तियों को वापस लेने के लिए और बाकी सभी लोगों को मारने के लिए। उसने एक एक करके सभी को मार दिया और आखिर में जाकर उसने वो पूरे का पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर दिया था। और आखिर में जाकर उसने लास्ट में बचे हुए एक और साथी को मार दिया। और अब उसके पास कलेक्ट हो चुकी थी वो सभी के सभी पावर्स जिसके बारे में कि वो कभी सोचता था। और अब कायरो में एक बात ये थी कि अब उसकी स्किन का कलर ग्रीन से रेड हो चुका था और अब वो फिर से निकल चुका था और पावर्स की तलाश में। और इसके लिए वो गया द नेदर किंग के पास। उसने नेदर किंग को भी अपनी पावर्स दी और उसके बाद उसने शुरू कर ली एक बहुत बड़ी वॉर। और उस वॉर से ही लगभग हाफ वर्ल्ड तबाह हो चुका था। और बहुत सालों तक कायरो उस वर्ल्ड में घूमता रहा और आखिर में जाकर वो घूमते घूमते जा पहुंचा एक विलेज में। पर उस गांव के विलेजर्स ने भी कायरो को अपने गांव में रहने नहीं दिया और उसे निकाल दिया। और अब कायरो भी अकेला पड़ चुका था। और एक रात कायरो अपने घर की तलाश कर ही रहा था कि इतने में उसे सामने दिखाई पड़ा एक अजीब सा मॉब। और जैसे ही कायरो ने उसे टच किया
उसकी पावर एक्टिवेट हो गई और तब उसे पता चल चुका था अपनी रियल पावर्स के बारे में। मतलब कि अगर वो किसी को भी टच कर लेता तो वो एक भयानक मॉब में बदल जाता। और अब कायरो का एक और एम यह बन चुका था कि अब उसे वापस बदला लेना है पूरे के पूरे विलेजर्स से। और इसीलिए उसने फैसला किया कि अब वो लोगों पर एक्सपेरिमेंट करेगा और उसके बाद वो अपने ही कुछ बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मॉब्स को बना देगा और तब वो अटैक करेगा इस वर्ल्ड के सभी विलेज पर। उसने जल्दी से एक ऐसी जगह ढूंढी जहां पर कि वो एक्सपेरिमेंट कर सकता था और आखिर में जाकर उसे वो मिल ही गई। कायरो हर दिन नए मॉब्स पर एक्सपेरिमेंट करता और अब उसे पता चल चुका था अपनी न्यू पावर्स के बारे में। वो हर दिन किसी न किसी विलेजर को या फिर किसी न किसी एनिमल को अपनी लैब में लाता और उन्हें बना लेता एक बहुत ज्यादा खतरनाक मॉब। और अब मेरा बदला कंप्लीट होने वाला है। देखो, मैंने अपनी लैब में लगभग 100 से भी ज्यादा पूरे के पूरे मॉब्स को तैयार कर लिया है और अब मैं फाइनली अपना बदला ले पाऊंगा। मैं उन लोगों के साथ वैसा ही करूंगा जैसा कि उन लोगों ने मेरे साथ किया था और अब उनके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और अब मैं उन लोगों को भी अकेला कर दूंगा। मेरा बदला सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुझे इस माइनक्राफ्ट के पूरे विलेज सभी सभी गांव वालों को अपने वायरस से इंफेक्टेड करना है और एक दिन उन्हें भी मैं बना लूंगा अपना ही एक क्रिएचर। तो बेसिकली कायरो का प्लान कुछ ये था कि वो इस पूरे के पूरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को अपनी पावर्स की हेल्प से हैक कर लेगा और उसके बाद सभी सभी गांव वाले सभी सभी विलेजर्स उसके गुलाम बन जाएंगे। और उसके बाद फिर क्या था, कायरो निकल चुका था अपनी सेना के साथ एक गांव को डिस्ट्रॉय करने के लिए और दूर से ही जेनेसिस, जिसे कि शैंग ने भेजा था, वो भी इस नजारे को देख रहा था। और फिर क्या था, मैं कायरो बन चुका था इस वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल हैकर। और लास्ट में जाकर कायरो ने अपना एम कंप्लीट कर दिया और उसने इन्फेक्टेड कर दिए थे पूरे के पूरे विलेजर्स। पर अभी भी वो रुकने वाला था नहीं और इसीलिए उसने वापस लैब जाने का सोचा। और जब कायरो लैब में था, उसे सामने दिखाई दिया जेनेसिस। तुम्हारा नाम कायरो है ना? मुझे शैंग ने भेजा है। और क्या तुम शैंग के लिए डार्क हीरो बनोगे? पर इसमें मुझे क्या मिलेगा? जो तुम्हें चाहिए। पर अगर तुम्हें डार्क हीरो बनना है तो उससे पहले तुम्हें मारना होगा प्रो बॉयज और जंकी को। और उसके बाद कायरो ने भी जेनेसिस की ये बात मान ली थी और अब वो निकल चुका था प्रो बॉयज और जंकी को ट्रैप करने के लिए। और उसके बाद आखिरकार कायरो का इंतजार खत्म हुआ और आखिर में जाकर उसे मिल चुके थे प्रो बॉयज और जंकी। ओके, सो गाइस, आई होप कि तुम्हें वाली वीडियो पसंद आई होगी। और यार अगर आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। एंड यार अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो यार लाइक है मैं 5000 देखते पूरे हो गए फिर नहीं। एंड यार प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि यार तुम्हें ना ये स्टोरी कैसी लगी।